अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. आज के जो टॉपिक है आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, कमीशन टू अ पार्टनर्स. आज हम लोग कमीशन टू अ पार्टनर्स जो है, अगर क्वेश्चन में आपका कमीशन टू अ पार्टनर्स रहेगा तो कैसे आपको डील करना है क्वेश्चंस को, और साथ ही आज साथ में साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या है इसका, एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल भी देखेंगे. ऐसे तो मैं जहाँ तक जानती हूँ मैनेजर का जो कमीशन होता है वो आपने क्लास 11 में बेशक पढ़ा होगा, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, ठीक है. तो उसी तरीके से पार्टनर्स का भी हम लोगों को पढ़ना है, एज़ वेल एज मैनेजर का भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कमीशन. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, बट आज जो पढ़ेंगे कमीशन टू अ पार्टनर. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन, राइट. चलो अब देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे थ्योरी पार्ट में क्या बोला गया है. और हाँ, साथ ही मैं बोलूँगी, हम लोग जो मैं जो बुक जो फॉलो कर रही हूँ, डॉक्टर एस के सिंह की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020. साथ ही साथ मैं बोलूँगी प्लेलिस्ट में चले जाना, जो पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं सारे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है. पुराने जितने वीडियोज़ हैं सारे आपको मिल जाएंगे. चलो, कभी कभी साझेदारों को फर्म द्वारा अर्जित किए गए लाभों पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है. मतलब ऐसा है, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने बना रखी है कि जो साझेदार हैं उनके फर्म के द्वारा जो अर्जित की जाती है, जो भी लाभ जो अर्जित किए जाते हैं, तो एक निश्चित दर, कोई भी एक पर्टिकुलर रेट होगा, 4%, 5%, 3%, जो भी रेट होगा उसके बेस पर कमीशन दिया जाता है किसको, पार्टनर्स को. लेकिन एक साझेदार को कमीशन प्राप्त करने का अधिकार तभी होगा जबकि साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान होगा. कहने का मतलब है, जो भी पार्टनर्स, दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, दोनों को कमीशन मिल सकता है, या बाय द वे एक पार्टनर्स को, जो भी डील इनके बीच में हुई है पार्टनर्स के बीच में, तो वो कमीशन देने के बारे में कहाँ पर डिस्कस होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में वो डिस्कशन होना चाहिए. वो प्रोविज़न आपने लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में, तभी आपको कमीशन मिलेगा. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कमीशन लाभ का नियोजन है. यानी कि ये कमीशन क्या है, लाभ का नियोजन है, और इसे लाभ हानि विनियोजन के डेबिट पक्ष में तथा साझेदार की पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है. आप जैसा कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने फॉर्मेट पर भी देखा होगा कि कमीशन जो है, जो पार्टनर्स का जो कमीशन है वो एक्चुअली नियोजन है, ठीक है. उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाएंगे, और डेबिट साइड में कहाँ पर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे. और साथ ही साथ जो पार्टनर्स का जो खाता खोलेंगे आप, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट जो आप खोलेंगे, तो मैं बोल रही थी कि जो साझेदार के जो पूंजी होंगे, जो आप कैपिटल अकाउंट खोलोगे पार्टनर्स के, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के खोलोगे, तो वहाँ पर इस कमीशन को आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट में दिखाओगे. क्यों, देखो, क्रेडिट में आप इसलिए दिखाओगे, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा उसमें जो क्रेडिट आप इसलिए दिखाओगे क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है. और इनकम जब भी बढ़ता है तो क्या हम करते हैं, क्रेडिट दिखाते हैं, ठीक है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसी कमीशन को आप क्या करोगे, डेबिट में दिखाओगे, क्योंकि फर्म के हिसाब से कमीशन क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है. तो आपने कारण जान लिया क्यों हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं. दे कमीशन की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है, आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें जो भी कमीशन आपके दिए रहेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन सॉल्यूशन करने हैं. तो देखो, क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन कोई एक इसमें से होगा, इस दो में से कोई एक क्वेश्चंस में आपके रहेंगे. और बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग ऑप्शंस मेंशन किए होंगे, जैसे कि आप जब एग्जांपल नंबर 29 पढ़ोगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन में हो सकता है कि कमीशन जो यहाँ पे हो रही है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, समझ में आ रही है बात, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग करके भी रह सकता है आपके क्वेश्चन में, यानी कि कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ पर कमीशन. कहने का मतलब है, आपने कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया, बिना पार्टनर्स को कमीशन दिए हुए आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, एक पहला स्थिति. तो इस स्थिति में आपका जो भी रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीपल रेट ऑफ कमीशन, जो भी रेट ऑफ कमीशन रहेगा डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है. दूसरा आपका होगा कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर कमीशन. कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. कहने का मतलब है, आपने पार्टनर्स के कमीशन को चार्ज कर दिया, मतलब आपने पार्टनर्स के कमीशन को दिखा दिया,
मतलब आपने पार्टनर्स के कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या कर दिया, दिखा दिया, और तब आपने क्या निकाला है, प्रॉफिट निकाला। एक सेकेंड थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, पार्टनर्स के, आपने ये जो सेकेंड वाला है पार्टनर्स के जो कमीशन है आपने उसको कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट निकाला। तो ये सिचुएशन कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन मल्टीपल रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, इसका फॉर्मूला फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ध्यान दे करके आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ का मतलब होता है कि आपने पार्टनर्स के कमीशन नहीं कैलकुलेट किए हैं और आपने क्या करा, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। और कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ का मतलब होता है कि यानी कि आपने पार्टनर्स के कमीशन कैलकुलेट करके चार्ज कर दिए हैं और उसके बाद आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो नोटिस यहाँ पे है, ध्यान दे, मैनेजर के कमीशन, किसका कमीशन, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, मैनेजर का जो कमीशन होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, जो मैनेजर का जो कमीशन होगा उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये जो मैनेजर का जो कमीशन होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए जाएगा क्योंकि ये कमीशन एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, क्या है ये, पूरी तरह से एक्सपेंसेस है और इससे हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, दूसरा आप देखो साझेदार, क्या लिखा है, साझेदार के कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। जो पार्टनर्स के जो कमीशन होंगे उसको कभी भी आप ध्यान में रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी नहीं दिखाओगे, उसको आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29, इससे हम लोग कैलकुलेशन से करना सीख जाएंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे कि मीनाक्षी और गौरवी एक फर्म में साझेदार है, दो लड़कियां हैं मीनाक्षी गौरवी, दोनों क्या हैं, पार्टनर्स हैं। मीनाक्षी को कमीशन के पूर्व शुद्ध लाभ पर 10% की दर से कमीशन प्राप्त होना है। क्या बोला जा रहा है, मीनाक्षी गेट अ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, क्या बोला यहाँ पे, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, वाइल गौरवी इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देखो आफ्टर चार्जिंग। तो दोनों यहाँ पे जो है हमारा जो ऑप्शन 1 और 2 था, दोनों ही इस क्वेश्चन में यूज कर दिया गया है। मीनाक्षी को बिफोर चार्जिंग में डाला गया है 10% और गौरवी को 5% में डाला गया है आफ्टर चार्जिंग करके। ठीक है, और नेट प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वॉज 1,10,000, नेट प्रॉफिट कितना आया है 1,10,000, चाहे वो मीनाक्षी के बारे में बात कीजिए चाहे वो गौरवी के बारे में बात कीजिए, दोनों के लिए आपको 1,10,000 आपको क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट, हाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि देखो मीनाक्षी के लिए वर्ड यूज किया गया है बिफोर चार्जिंग और गौरवी के लिए क्या यूज किया गया है, आफ्टर चार्जिंग। तो आपने जस्ट अभी पढ़ा कि बिफोर चार्जिंग के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है और आफ्टर चार्जिंग के लिए हमको इसे यूज करना है। ठीक है, चलो आते हैं अब सोल्यूशन की ओर, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उसके बाद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके लिए मैं यूज़ नहीं करूँगी कॉपी अभी, आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे भी ये चीज़ आप क्लास 11 में पढ़ के बैठे हो, कुछ नया चीज़ है नहीं यहाँ पे, यू कैन ऑलरेडी यू हैव रेड इन क्लास 11 में पढ़े हुए हैं आप ऑलरेडी। देखो मीनाक्षी को दे कमीशन, मीनाक्षी को क्या था, बिफोर चार्जिंग था ना, तो कमीशन पेबल टू मीनाक्षी, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना निकला है, 1,10,000 निकला था है ना, मल्टीपल कितना परसेंटेज था, 10/100, आराम से कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा इसका, 11,000 कमीशन आ जाएगा। ठीक है, हो गया। दूसरा गौरवी को दे कमीशन, कमीशन पेबल टू गौरवी, यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपने जो 1,10,000 पे जो आपको कमीशन देना था, 1,10,000 पे जो कमीशन देना था आपने, तो उसको चार्ज कर दिया ना आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करोगे, जो
11,000 जो मीनाक्षी का जो आपका आया है, क्योंकि मीनाक्षी का जो आया है उसको तो को माइनस करना पड़ेगा ना इसके लिए, क्योंकि इसको देने के बाद जो बचेगा उस पर आपको चार्ज करना है। मीनाक्षी को जो आपने कमीशन जो पे किया है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चार्ज करना है किसको, गौरवी को। इसीलिए 110,000 में से 11,000 माइनस करेंगे, ठीक है, जो आएगा उसको 5% इसका दिया हुआ था, डिवाइड बाय कितना होगा 100 प्लस 5, तो जब इसको माइनस करो तो कितना आएगा 99,000 आएगा, तो 99,000 मल्टीपल 5/105, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4,714, यानी कि गौरवी को कितना कमीशन मिलेगा 4,714 रुपया मिलेगा। तो आई थिंक सो ये जो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन है आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, लगे हाथ में क्वेश्चन नंबर 30 भी यहाँ पर डिस्कस कर ही देती हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप किनके बीच में हुई है, मनीष और गिरीश में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है इस पर ध्यान ज्यादा दोगे। पहला पॉइंट बोलता है कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, जो मनीष है और गिरीश है इनके बीच में जो प्रॉफिट जो बांटे जाएंगे वो क्या होंगे, इक्वली होंगे, यानी कि 1:1 होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ, मनीष को सैलरी कितना मिलेगा 400 पर महीना, तो 400 को गुना कर लो 12 से, कितना हो जाएगा 400 × 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 5, 48 हो गया 4,800, ठीक है। फिर थ्री नंबर कहता है तुम्हारा यहाँ पे कि गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट, गिरीश जो है वो पूरा मैनेज करता है सेल्स डिपार्टमेंट को, विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो वर्ड पर ध्यान देना, इस लाइन को बहुत ध्यान देना, ये सब लाइन आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा और इसी के साथ आपको कैलकुलेशन करना है। गिरीश जो मैनेज करता है सेल्स डिपार्टमेंट को वो उसको अलाउड किया जा रहा है कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%, ठीक है। आफ्टर कब उसको मिलेगा, जब पहले जो सैलरी है, किसकी सैलरी, मनीष की सैलरी के बाद, जब मनीष में डिडक्ट कर लेंगे नेट प्रॉफिट में मनीष का सैलरी, उसके बाद इनको देना है, ठीक है, समझ में आई बात, 10% कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड बोल दिया गया है, पार्टनर्स के लिए यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, उनके फिक्स कैपिटल पे 7% हमको इंटरेस्ट देना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% होगी, ठीक है। 5% यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग, जो पार्टनर्स ने सालाना जो ड्राइंग्स करे हैं, सालाना जो ड्राइंग्स करे हैं उस पर आपको कितना देना है, 5% देना है, ठीक है। अब आती है बात, मनीष एंड गिरीश आर रुपीज 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष, मतलब जो फिक्स कैपिटल है मनीष और गिरीश का वो कितना है, 1,80,000 है, ठीक है। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर 16,000 and 14,000, कितना इनका एनुअल ड्राइंग है, 16,000 और 14,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब साल में इसने निकाले हैं 16,000, इसने निकाले हैं 14,000, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2018 अमाउंटेड टू रुपीज कितना है, 40,000, मतलब नेट प्रॉफिट जो इनका निकला है वो कितना निकला है, 40,000 रुपया निकला है 31 मार्च 2018 को निकला हुआ है। एंड प्रिपेयर द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। इट्स लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, जैसे कि आपको एग्जाम में सॉल्व इसी तरीके से करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में डेट डाल दिए गए हैं, आप डेट हर हाल में एग्जाम में लिखोगे, ये फॉर्मेट आपका एग्जाम में इसी तरीके से रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग में लिखोगे, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 लिखोगे, और सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप आ जाओ, सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप आ जाओ, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्या आता है देखो, यहाँ पे सबसे पहले चल चल के बाद आपने कर लिया, उसके बाद बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में आपका फिक्स्ड बोला है तो फिक्स्ड में आप अच्छे से जानते हो हमारा दो पार्टनर्स के जो खाते खुलते हैं वो दो खाते खुलते हैं, एक हमारा कैपिटल अकाउंट खुलता है, दूसरा क्या खुलता है, करंट अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो कैपिटल में जो भी अमाउंट जाएगा वो आपके परमानेंट अमाउंट जाएंगे और जितने भी फ्लैक्चुएटिंग है या टेम्प्ररी बेस पे जो भी रहेंगे वो सारे के सारे हमारे कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग्स हमारा होता है उसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में कहाँ ट्रीट करते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मनीष और गिरीश को, तो कितना क्वेश्चन में दिया था, 16,000 दिया हुआ था और 14,000, तो 5% निकालोगे तो एक का 800 दूसरा कितना हो गया 700। ठीक है, आपने ट्रीट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहाँ पर। ओके, अब आती है बारी यहाँ पर डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में सैलरी के बारे में बोला गया है, तो हाँ जी बिल्कुल बोला गया है, मनीष को सैलरी मिल रही है 400 रुपया पर महीना, 12 महीना कितना हो जाएगा 4,800 रुपया हो गया। ठीक है, फिर कमीशन के लिए बोला गया है, तो हाँ जी बिल्कुल गिरीश को बोला गया है कमीशन के लिए, लेकिन गिरीश को यहाँ पर बोला गया था कि मनीष की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट रहेगा, तो देखो आप यहाँ पे वर्किंग नोट किया हुआ है, गिरीश कमीशन 40,000 मेरा नेट प्रॉफिट था, उसमें से माइनस करो किसकी सैलरी को, मनीष की सैलरी को माइनस करो 4,800 का। ठीक है, जो बचेगा 40,000 में से जो 4,800 माइनस करने पर जो बचेगा उसमें से 10/100 यानी कि उसमें हमको 10% क्या करना है, कमीशन देना है गिरीश को, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3,520 रुपया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप हर हाल में इसको पढ़िएगा बनाइएगा। ठीक है, एंड बाय द वे मैं बोल दूँ आपके डॉक्टर एस के सिंह की जो बुक है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से ही आता है, कंपैरिजन अगर प्रैक्टिकल से आप करोगे तो। ठीक है, तो आपका गिरीश का करंट अकाउंट में कमीशन चला गया। ठीक है, अब बात आती है अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 1,80,000, तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष को और गिरीश को, तो 1,00,000 पे कितना देना है 7%, 7,000 हो गया, और गिरीश को 80,000 पे कितना देना है 7%, तो 5,600 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब आप देखते हो कि यहाँ पर 40,800, 700 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 41,500 रुपया हुआ, सबको जोड़ने पे कितना हुआ 41,500 हुआ, और इन चार अमाउंट को हम जोड़ेंगे 4,800 को, 3,520 को, 7,000 को और 5,600, जब इनको चारों को जोड़ने पर मेरा अमाउंट कितना आएगा 20,580। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि पार्टनर्स की जो शेयर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वली होगी, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट मनीष के खाते में जाएगा 20,580 का आधा 10,290 रुपया, और गिरीश के अकाउंट में 10,290 रुपया। आप खाता फिर क्लोज कर दोगे 41,500 से 41,500 से। तो आई होप सो आपको जो है जो पार्टनर्स जो कमीशन टू अ पार्टनर जो था आपको क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको काम करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप देख ही रहे हो अपने स्क्रीन पे कमीशन टू अ मैनेजर कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इसी बुक से विथ एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।